तो आज हम बनाने जा रहे हैं मठा आलू, जो कि इतना मज़ेदार होता है कि इसके साथ जब भी हम खाएंगे तो ना दाल की ज़रूरत पड़ती है ना सब्जी की। तो इसको चावल के साथ भी, इसको खाने में बड़ा मज़ा आता है, आप ऐसे भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 लीटर मठा या छाछ, प्लेन वाला, उसमें लेंगे। और उसमें बॉयल्ड आलू मीडियम साइज के 4-5 बॉयल्ड आलू ले लिए हैं और उसको छील के काट लिया है। और इसके बाद इसमें इसको मिक्स कर देना है, मठे में डाल देंगे। सारे पीसेस डाल दीजिए, आपको बड़े पीस अच्छे लगते हैं बड़े डालिए, छोटे अगर पसंद है तो छोटे पीस भी डाल सकते हैं, पीस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग कट कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे इसमें डाल दिए। अब इसमें डालेंगे मसाले, मसाले बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चाहिए देखिए। इसका मसाला बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इसको करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून, आधा चम्मच जीरा, सफेद जीरा, ठीक है, इसको ले लिया। और इसमें लिए हैं 7-8 कली लहसुन, ये ले लिया। और इसमें लिया है सॉल्ट, करीब 1.5 यानी कि 1.5 टी स्पून सॉल्ट लिया है, क्योंकि इसमें सॉल्ट ज़्यादा लगेगा, आलू एब्जॉर्ब करेगा सॉल्ट को। और यहाँ पे लिए हैं 3 साबुत खड़े मिर्च, ठीक है, इसको हम लोग पीसेंगे। इसको पीसने के लिए हमको ये करना है कि पहले लहसुन और जीरा और नमक मिला के पीस लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये महीन नहीं होगा। और फिर उसके बाद उसमें लाल मिर्च डाल के पीसेगा, और इसको बहुत बारीक नहीं करना है, इसको थोड़ा सा मिर्च के फ्लेक्स दिखना चाहिए कुछ ऐसे। इसको हम लोग देखिए मैंने पीस के रखा हुआ है, ये ऐसे दिखेगा, ये देखिए ये इसमें इसके चिली फ्लेक्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, बारीक पीसने से इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है देसी स्टाइल का। और इसको इसमें चिलीज तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर लीजिए, ये मोटी वाली मिर्चा है तो इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है, ये बहुत तीखा नहीं होता है, पर लाल मिर्च है तो तीखी तो होगी होगी, तो इसलिए। और इसमें जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ भर भर के, मुझे पसंद है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और खाने में, घर के खाना बनाने में तो यही फ्रीडम हमको मिलती है कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये तो हमारी चीज़ें मिक्स हो गई, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा, देखिए 1/4 टीस्पून जीरा, और इसमें 1 पिंच ऑफ हींग, एक चुटकी हींग, देख सकते हैं आप, देखिए ये एक चुटकी ही हींग है, उससे ज़्यादा नहीं। और 1 लहसुन कटा हुआ, ये बड़ी अच्छी डिश है, इसमें बहुत कम आप देख सकते हैं कितना कम तेल यूज हुआ है, खाने में बड़ी यमी होती है, बहुत मजा आ जाता है इसको खाने। कई बार मेरा सब्जी खाने का मन नहीं होता है तो मैं यही बनाती हूँ, और मेरे घर में भी मेरे सब लोगों को, सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको बड़ा अच्छा लगता है। आप भी जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कि कैसा लगा। और इसमें देखिए सबसे लास्ट में, शुरू में हींग मत डाल दीजिएगा, सबसे लास्ट में हींग डालेंगे हम। अब ये मैंने हींग डाल दी, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है, और ये जब थोड़ा सा लहसुन हमारा अच्छी तरह डार्क हो जाएगा तब हम इसको छौंक देंगे। आँच अगर बहुत धीमी लग रही है तो थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। देखिए फ्राई होना शुरू हो गया है, जीरा थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया है और ये लहसुन लाइट ब्राउन हो गया है। अब बस हम इसको डाल देंगे, ये देखिए छौंक लग गया, मठा आलू रेडी है।